नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। एक तो कांग्रेस की राजनीति में ऐसे ही बुरे दिन आए हुए हैं, और अगर खास तौर से पंजाब कांग्रेस की बात की जाए तो वहां कांग्रेस की अपनी राजनीतिक विरासत दांव पर लगी है। पंजाब कांग्रेस लगातार अपने ही लोगों से परेशान है। कांग्रेसी नेता एक दूसरे को मनाने और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद को अलग कर लिया है और आने वाले चुनाव में अपनी सरकार को बचाना अब कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हैं कि अपने ही पार्टी के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। उल जुलूल बयानों से हमेशा अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। जी हां, अब नवजोत सिंह सिद्धू के पुलिस वाले की पैंट गीली होने संबंधी कथित टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस के दो अधिकारियों ने इसे शर्मनाक करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह और श्रोणिमल अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने भी कथित टिप्पणी को लेकर सिद्धू की आलोचना की। वहीं चंडीगढ़ के एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें मानहानि का नोटिस भी भेज दिया है। चंडीगढ़ के पुलिस उपाधीक्षक दिलशेर सिंह चंदेल ने बयान की निंदा करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो में DSP साहब ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वो अपनी जबान का कहा याद आए साथियों, दो तीन दिन तो एक वीडियो वायरल हो रही है जिस विच नवजोत सिंह सिद्धू अपने एक साथी नु कह रहे हैं, वेखो मुंडा गार्डर वर्गा पीली जैकेट वाला खंगूरा मार के थानेदार की पेंट गिली कर दो। बड़े शर्म वाली गल है कि इस तरह के सीनियर लीडर अपनी ही फोर्स बारे इस तरह के शब्द वरतन और उन्होंने बेइज्जत करन। उही फोर्स उन्होंने हिफाजत करती है, उन्होंने फैमिली की हिफाजत करती है, उन्होंने राखी करती है। जे एडी गल है तो यह फोर्स नू वापस करके अपने आप घूमन, दस दस भी बंदे एक एक कंपनी अपने नाल लई घूमते हैं फोर्स की। फोर्स तो बिना था रिक्शे वाला भी इन्हों का कहा नहीं मानता। सो मैं दिलशेर सिंह चंदेल DSP इस गल की पुरजोर शब्दों के नाल निखेधी करता हूं, और मैं हिंदुस्तान की पुलिस वालों, पंजाब की पुलिस वालों, चंडीगढ़ की पुलिस वालों इस गल की निखेधी करता हां ते रोस प्रगट करता हां कि उन्होंने इस तरह के शब्द अपनी फोर्स बारे नहीं बोलने चाहिए। फोर्स की भी अपनी एक डिग्निटी है, फोर्स की भी अपनी एक जमीर है। तो सुना आपने, DSP दिलशेर सिंह चंदेल ने कहा कि बड़ी शर्म की बात है कि एक सीनियर लीडर अपने ही पुलिस फोर्स के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, वही फोर्स जो उनकी हिफाजत करती है और उनके परिवार वालों की भी हिफाजत करती है। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल सिद्धू ने हाल ही में सुल्तानपुर लोधी में एक रैली में विधायक नवतेज सिंह चीमा की ओर इशारा करते हुए कहा था कि वह थानेदार की पैंट गीली करा सकते हैं। फिर उसके बाद बटाला में एक रैली के दौरान यह बात दोहराई जब स्थानीय नेता अश्विनी सेखरी उनके साथ खड़े थे। तब पत्रकारों ने उनकी टिप्पणी के बारे में पूछा तो सिद्धू ने कहा कि इसे शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि सिद्धू के इस बयान पर कांग्रेसी नेताओं ने भी विरोध किया है। लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने पुलिस कर्मियों की तरफदारी की और COVID-19 के वक्त में और उग्रवाद के दौरान उनकी भूमिका की प्रशंसा की। वहीं कांग्रेस से अलग हुए पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि अपने पुलिस कर्मियों का अपमान देखकर दुख हुआ। पंजाब पुलिस के 1700 जवानों ने राज्य को काले दिनों से बाहर निकालने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और अब पंजाब कांग्रेस और उनके अध्यक्ष द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने इसे शर्मनाक करार देते हुए कहा कि किसी नेता को सम्मान पाने के लिए सम्मान देना चाहिए। इनके अलावा अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने सिद्धू की टिप्पणी पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की चुप्पी पर सवाल उठाया। चंदेल ने सिद्धू की टिप्पणी को शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा, यह बहुत शर्मनाक है कि ऐसे वरिष्ठ नेता अपने बल के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करता है और उन्हें अपमानित करता है। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा, यह वही बल है जो सिद्धू और उनके परिवार की सुरक्षा करता है।
कि एक किथे लिखा है कि पहला आटा दाल का कार्ड बनाने वास्ते कांग्रेस के घर जाना पेगा, कांग्रेसी लीडर के घर जाना पेगा। ये बहुत वड्डी अंधेरगर्दी है ते सरकारी जिहड़ी शक्ति है वह तो दुरुपयोग है। मैं कमिशन नूं मंग कीती है कि सारे इस घोटाले की जांच की जाए, जिहड़े अफसर इहो जिहा काम कर रहे। जे मैं डीएफएससी नाल गल की तो वह कहता कि जिन्नी देर तक वह हालोग्राम ना लग्या होवे पोर्टल पिकअप ही नहीं करता एप्लीकेशन। इस तो वड्डी अंधेरगर्दी की हो सकती रोपड़ खास करके मुख्यमंत्री का अपना जिला होने करके इतने अंधेरगर्दी बाकी नालों भी वध। इस करके मैं कमिशन तो मंग की है कि सख्त इतने एक्शन लेना। इस तरह से सिद्धू बयान देने के बाद लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। सिद्धू के बयान को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं।